चले लेट्स स्टार्ट. सो मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट. नाउ विल गो बाय वेरी स्लो एंड बेसिक टुडे. सो लेट्स टॉक अबाउट इलेक्ट्रिक करंट. वी हैव स्पोकन मच अबाउट इट. वी हैव स्पोकन मच अबाउट इट इन लास्ट क्लास. सो व्हेन यू टॉक अबाउट इलेक्ट्रिक करंट एंड वी वुड बी टॉकिंग अबाउट इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. ओके इफेक्ट्स ऑफ. नाउ सिंस यू हैव रेड द चैप्टर इलेक्ट्रिक करंट के अगर हम इफेक्ट्स को देखें, इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, यू हैव गॉट थ्री मेन इफेक्ट्स. द फर्स्ट वन इज नोन एज केमिकल इफेक्ट. दैट इज वेयर यू स्टडी ऑल अबाउट इलेक्ट्रोप्लेटिंग, इलेक्ट्रोलिसिस एंड ऑल. देन वी हैव समथिंग कॉल्ड मैग्नेटिक इफेक्ट. ओके मैग्नेटिक इफेक्ट. आवर जॉब हियर इज सिंपल. वी विल हैव इलेक्ट्रिसिटी एंड इलेक्ट्रिसिटी इज ऑलवेज जनरेटेड बाई ई. Magnetism is generated by B, B for Bobby. Okay, so electricity giving magnetic changes or magnetic phenomena, as we say. And the third one is heating effect. Heating effect. ये तीन ही इफेक्ट होते हैं बेटा. लेकिन मजेदार चीज क्या है, इसको आप केमिस्ट्री में पढ़ते हो. And in 11th class, be ready to shave your head because you'll be studying a big chapter on electrochemistry where everything will be related to this. इसमें हम ions पढ़ेंगे, electrolysis पढ़ेंगे, electroplating पढ़ेंगे, फलाना all those. And this is not there in physics at all. इसे हम chemistry में पढ़ते हैं, ठीक है? रही बात दो और की, इसमें इन दोनों चीजों को हम physics में पढ़ते हैं. We study them in physics. और physics में ये part हम कर चुके हैं. यहाँ हम वो पढ़ते थे. H is equal to I square RT. You remember this? Janvi, Bittu, आज हम physics पढ़ रहे हैं. Wednesday को chemistry पढ़ेंगे. आज मेरा mood इच्छा था physics ऐसे magnet करेंगे. तो H is equal to I square RT, I square of current. ये part तो हमारी हो चुकी है. आप इस chapter में what we are going to study and what we are going to focus about is this. हम electricity push करेंगे और सामने से कोई magnetic प्रक्रियाएं बनती रहेंगी. इसी को हमें पढ़ना है. और फिर इसका देखो फिजिक्स में हम हमेशा कहते हैं उल्टा होगा ही होगा, ठीक है ना? अगर हम आपको बुरा इंसान बना सकते हैं तो अच्छा इंसान भी बना सकते हैं. उल्टा वाला जो होगा उसको हम कहेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, जहां मैग्नेट मैग्नेट छोड़ेंगे और उस साइड से इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रिसिटी के फिनोमेना दिखने को मिलेंगे. समझ में आ रहा है पहले? और उस सेकेंड पार्ट को सीबीएसई जो सबसे इंटरेस्टिंग था उसको काट दिया कोविड के टाइम से. बहुत ही चिन्नू सा है मतलब. पर ये पार्ट को हम देखेंगे आज शाम से. एंड दिस विल अगेन हॉन्ट यू बैक इन ग्रेड 12. 11 में नहीं पढ़ना है और नहीं पढ़ना है. डायरेक्ट जाके आप पढ़ेंगे कहां? ग्रेड 12 में, अगर आप साइंस के साथ कंटिन्यू करेंगे तो. चले ये बात है. सो इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कैन बी थ्री इफेक्ट्स: केमिकल इफेक्ट, मैग्नेटिक इफेक्ट एंड हीटिंग इफेक्ट. केमिकल इज स्टडीड इन केमिस्ट्री, दीस टू आर स्टडीड इन फिजिक्स. दिस वी हैव ऑलरेडी डन. इस पे था हमारा इनकैंडेसेंट लैंप, इलेक्ट्रिक फ्यूज, देन गीजर, टोस्टर, हीटिंग एलिमेंट, सब ये सब में था. अब हम मैग्नेटिक इफेक्ट पढ़ेंगे. समझ में आया? मैग्नेटिक इफेक्ट को पढ़ने से पहले मैग्नेट को जानना जरूरी है. आइए सबसे पहले मैग्नेट को जाने. मैग्नेट और कुछ मजेदार मजेदार चीजें देखते हैं. मैग्नेट, ये मैग्नेट नाम की चीज ने ना, ये है इंसान, इसको व्याकुल और पागल मतलब क्यूरास बनाया है बहुत बीसी से भी पहले से, बीसी पीरियड से, 2-3 हजार साल बीसी के पहले से, ठीक है ना? और 2-3 हजार बीसी के पहले से उस जमाने में दो ही जगह में लोग रहते थे. एक हो गया ग्रीस, जो भी पूछो, अगर जोमेटो भी था तो कहाँ था? ग्रीस में ही था. तो एक था ग्रीस. ग्रीक्स को थोड़ा थोड़ा पता था इसके बारे में, ग्रीक्स को. और यहाँ ना हमारे पड़ोसी नेबर चाइनीज लोगों को इसके बारे में बहुत कुछ पता था, ठीक है? चाइनीज लोगों को. कुछ लोग ऐसे भी स्टोरी कहते हैं कि उस जमाने में ऐसे कुछ मेटल्स थे जिनमें जूतों में लगाने के बाद वो जूता पहन के जाने से ना कुछ कुछ चीजों को अट्रैक्ट कर लेता था. बेसिकली उसने एक मैग्नेटाइजेशन मटेरियल से किला उला बनाया होगा अट्रैक्ट. एंड चाइनीज लोगों को ये इतना अच्छा पता था, चाइनीज लोगों को इतना अच्छा पता था. देयर इज अ स्टोरी दैट सम एम्परर वाज एबल टू गाइड हिज हॉर्सेस बेस्ड ऑन मैग्नेटिक कॉम्पास, मैग्नेटिक कॉम्पास से. तो यहां और एक चीज का बात करेंगे कि जब एक स्टार आपने देखा है जिसको हम कहते हैं पोल स्टार. पोल स्टार को हिंदी में कहते हैं हम ध्रुव तारा. ओके पोल स्टार. पोल स्टार कहां पे रहता है? नॉर्थ पोल में रहता है. इनफैक्ट व्हेन जीसस क्राइस्ट वाज बोर्न एंड द थ्री रिच मैन केम टू ब्लेस हिम, दे ऑल केम बाय लुकिंग एट द पोल स्टार.
पहले जमाने में मैगेलियन का नाम सुना है, दुनिया के चारों ओर घूमा था, ही वाज द फर्स्ट मैन। तो लोग ये पोल स्टार को देखते थे क्योंकि पोल स्टार इज एट नॉर्थ एंड पोल स्टार अपना पोजिशन कभी भी चेंज नहीं करता है। इनफैक्ट इफ यू विजिट एनी टाइम द मद्रास रेजिमेंट इन कुन्नूर, ओके, अगर आप कभी विजिट करो तो वहां पे ऐसा है कि इफ यू आर आर्मी कमांडो एंड यू आर इन एनिमी एरिया एंड यू हैव लॉस्ट एवरीथिंग, कुछ नहीं आपके पास, एस्ट्रोनॉमी के क्लासेस भी होते हैं, हाउ टू फाइंड आउट डायरेक्शन एंड गेट आउट ऑफ द आर्मी टेरिटरी, क्योंकि सब कुछ धोखा देगा आपको, तारे धोखा नहीं देंगे, ठीक है। कॉन्स्टिलेशंस कैसे पहचानते हैं, कहाँ पे ग्रेट बियर है, कहाँ पे ओरियन है, तो पोल स्टार को लेके यहाँ बहुत सारी कहानी होगी इस कहानी में। तो एक चीज था उस जमाने में, पोल स्टार का एक और नाम था लोड स्टार, इसको लोड स्टार भी कहते हैं, समझ में आया, ये सब कहानी आया सुनो पहले। और एक पत्थर को मिला गया था, पत्थर मीन्स सम सॉर्ट ऑफ ए मिनरल, एंड दे सॉ दैट उस मिनरल का कोई भी डंडा अगर आप बना के उसको पिवट पे लगा दो ना, मीन्स यू अलाउ इट टू फ्रीली मूव, ये डंडा हमेशा लोड स्टार को दिखाता है। तो ऐसे स्टोन का नाम उस जमाने में रखा गया, चाइनीज ने रखा लोड स्टोन, और ये लोड स्टोन कुछ और नहीं, यही आपका बेसिकली मैग्नेट का इनिशियल सोच है, लोड स्टोन। व्हाई इज द स्टोन नेम लोड स्टोन? बिकॉज इट पॉइंट्स टुवर्ड्स द लोड स्टार, और लोड स्टार पोल स्टार है, ठीक है ना। उसका अगर कोई ऐसे थोड़ा सा नीडल बना के अगर रख दो तो इट विल पॉइंट टुवर्ड्स द लोड स्टार, ठीक है। ये एक कॉन्सेप्ट है, ये सब बीसी पीरियड से आना शुरू हुआ और तहां से मैग्नेट का कॉन्सेप्ट डेवलप होना शुरू हुआ। आज के जमाने में हम जानते हैं कि मैग्नेट हमेशा आता है तीन ही एलिमेंट से, आयरन, निकल और कोबाल्ट। ये तीन एलिमेंट मैग्नेटाइजेशन दिखाती है, आयरन, निकल एंड कोबाल्ट। दे गोना शो यू मैग्नेटाइजेशन, ठीक है। अब कहानी को आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और कुछ चीजें। तो ग्रीक विक की बात हो गई, चाइनीज बातें हो गई, सारे मैग्नेट के बारे में पता चल गया, आओ कुछ और नया चीज बात करते हैं। तो ये मान लो हमारे पास एक मैग्नेट है, आयरन, निकल, कोबाल्ट, फिनिको, आयरन, निकल, कोबाल्ट। ये मान लो एक मैग्नेट है हमारे पास। अब तक भाई है ना, प्रीवियस क्लासेस तुम पढ़ चुके हो, मैग्नेट के पास दो पोल होते हैं, एक नॉर्थ होता है और एक साउथ होता है, ठीक है ना। हायर क्लासेस में आप पढ़ोगे द नॉर्थ पोल इज नॉट एग्जैक्टली एट द एज, थोड़ा सा अंदर रहता है, एंड साउथ पोल इज ऑल्सो थोड़ा सा अंदर। इफ द मैग्नेट्स लेंथ इज 1, द पोल लेंथ इज समथिंग अराउंड 0.78 के आसपास है, नॉट एग्जैक्टली, पोल्स थोड़े अंदर में रहते हैं, ठीक है। अच्छा, अब बात करते हैं यहीं पे इलेक्ट्रिक चार्ज क्यू की। आप जानते हो ये चार्ज दो तरह से हो सकता है, नेगेटिव क्यू एंड प्लस क्यू, मतलब ये सब काल्पनिक बातें हैं, ठीक है ना। मतलब यूनिपोलर चार्जेस कैन एग्जिस्ट, लेकिन यूनि मैग्नेटिक पोल, यूनिपोल्स ऑफ मैग्नेट डोंट एग्जिस्ट। हमारे दिल को क्या सर, इसको ना हम तोड़ देंगे, सर तोड़ दो कौन मना किया, इधर साउथ पोल क्रिएट हो जाएगा, इधर नॉर्थ पोल क्रिएट हो जाएगा। अकेला मैग्नेटिक पोल नहीं एग्जिस्ट करता है, लेकिन अकेला इलेक्ट्रिक पोल एग्जिस्ट करता है, कॉन्सेप्ट क्लियर। दूसरा, अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट, लाइक पोल्स रिपेल, यहां पे भी हमने देखा था, यहां पे भी वही है, एक नॉर्थ पोल दूसरे नॉर्थ पोल को क्या करेगा, रिपेल करेगा। लेकिन जैसे आप मान लो बाजार से कुछ कुछ चीजें ना, एज स्टूडेंट ऑफ साइंस यू शुड ऑलवेज हैव इन योर होम, जैसे एक मैग्नेटिक कॉम्पास, एक प्रिज्म, ये सस्ते सस्ते चीजें हैं, एक मैग्नीफाइंग ग्लास, पर इससे हम बहुत कुछ चीज देख सकते हैं, ठीक है। हमने एक मैग्नेट, हमने ऐसे मान लो एक बार मैग्नेट को हैंग करके रखा है, और ये इसका नॉर्थ पोल, इसका साउथ पोल है। अब तुम बदमाश की तरह यहाँ पे एक मैग्नेट ले आओ, मान लो तुमने यहाँ साउथ रखा और यहाँ नॉर्थ, और इसको तुमने फिक्स करके रखा, तो ये टपक करके इसको चिपक जाएगा, और अगर ये उल्टा करोगे तो ये ऐसे टक करके उल्टा चला जाएगा, समझ में आया। तो आपने सीखा लाइक पोल्स अट्रैक्ट नॉर्थ पोल, ठीक है, ये भी समझ में आया। चलो कुछ और बात देखते हैं अभी, ठीक है। अब कुछ और बातें, ठीक है। ये है हमारा एक चार्ज प्लस क्यू चार्ज, तो दिस इज लाइक आई टोल्ड यू, दिस इज लाइक सम सन्यासी और बाबा रामदेव, इसकी ख्याति चारों ओर फैलती रहती है। सर कहां तक फैलती रहती है? इंफिनिटी तक। इंफिनिटी में कमजोर ख्याति, पास्ट में ज्यादा ख्याति। ये समोसा है, इसकी खुशबू कहां तक है? सर फिनलैंड तक है, नहीं उससे आगे भी। क्या सर आप सूंघ नहीं पा रहे हो? है तो ना तो नहीं कर सकते हो, आप सूंघ नहीं पा रहे हो। तो इसको हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इज द रीजन
अराउंड द विसिनिटी ऑफ द नॉट ओनली विसिनिटी अराउंड द विसिनिटी ऑफ द चार्ज वेयर द चार्जेस प्रेजेंस कैन बी फेल्ट. चार्ज की प्रेजेंस फेल्ट होती है, आपको फील होगी. समझ में नहीं आ रहा है सर क्या बात कर रहे हो सर, बेकार सी बात है. चलो इसको रिप्लेस कर दो बिरयानी की हांडी से. बिरयानी का हांडी समझते हो ना, वो रख लो यहाँ पे. उसकी प्रेजेंस फील होगी. कैसे फील होगी? उसकी खुशबू से. चार्ज की प्रेजेंस कैसे फील होगी? तो सूंघने वाला एक आदमी लाना पड़ेगा. तो सूंघने वाला एक आदमी ले आओ. इसको हम क्या कहते हैं? टेस्ट चार्ज. ये सूंघने आएगा. और टेस्ट चार्ज कैसे है? टेस्ट चार्ज को हमने पॉजिटिव रखा. जैसे ही यहाँ पे टेस्ट चार्ज को लाएंगे, छिटकेगा वो यहाँ से. नेगेटिव टेस्ट चार्ज लाते तो अट्रैक्ट होएगा. जहां जहां तक उसको ये एहसास फील हो रहा है वहां तक फील्ड है. लेकिन ये आराम सी बात है, जितनी दूर जाएगा वो खिंचाव घटता जाएगा. खिंचाव या रिपेल व्हाटएवर इट इज. सो अराउंड एन इलेक्ट्रिक चार्ज यू हैव गॉट एन एरिया और अ रीजन व्हिच इज नोन एज द इलेक्ट्रिक फील्ड. And the strength of the field is basically the strength of the force with which you will be either attracted or repelled. Righto? Similarly, we are studying magnetism. So we bring a magnet out here. Ek magnet le aayenge. Maan lo iska ek pole le liya humne, ek north pole le liya. Iske ird gird bhi kya ho jayegi? Ek magnetic field rahegi. Are you understanding? Now you will say, sir, आपने एक पोल को कैसे रखा? अरे रखा या आर्बिट्ररी काल्पनिक. और यहाँ पे कोई साउथ पोल अगर ऐसे घूमता रहे तो कैसा होगा? MDH मसाले ऐसी फ्लेवर जगाए, खींचा चलाए, ऐसे चला जाएगा. और अगर नॉर्थ पोल है तो ऐसे हट जाएगा यहाँ से. ठीक है ना, समझ में आया? तो मैग्नेट का भी अपने इर्द गिर्द क्या है? मैग्नेटिक फील्ड है. दादा होता है ना कॉलोनी का, एरिया का दादा, दादा की दादागिरी होती है. तो मैग्नेट की अपनी दादागिरी है. इसका क्या समझ में आता है? मैग्नेटिक फील्ड छोटी छोटी बात है. ठीक है, कुछ और बातें करते हैं इसके साथ. तो हमने देखा मैग्नेट का एक मैग्नेटिक फील्ड होता है, मैग्नेट इलेक्ट्रिसिटी के जैसा. अब और कुछ चीजें देखते हैं, कुछ और चीजें. आइए अब यहां से इंटरेस्टिंग बात शुरू होती है. लेट्स टेक अ मैग्नेटिक कॉम्पास. क्या आपने मैग्नेटिक कॉम्पास देखा है? सबने देखा है. हाँ देखा है बिल्कुल. घड़ी के स्ट्रैप में भी होता है, बाहर भी होता है. कौन सा कॉम्पास यार? आई एम नॉट सेइंग दैट मोबाइल वाला कॉम्पास नहीं, फिजिकल कॉम्पास जो ऐसे खोलने से कॉम्पास दिखता है. अच्छा, ये मैग्नेटिक कॉम्पास में कैसा रहता है? ऐसा एक ठो नीडल रहता है, ऐसा. ठीक है, सबसे सस्ता चीज है. किसी भी किट्सन्स में जाएगा ना, ₹50 में इतना बड़ा वाला मिलता है. एविएशन स्टोर. ठीक है, तो यहाँ पे ऐसा किया हुआ रहता है. और ये क्या होता है? ये हमारा नॉर्थ, ये जिधर रोटेट करेगा ये नॉर्थ दिखाएगा. समझ में आया? अब हमने क्या किया, मैग्नेटिक कॉम्पास को छोड़ दिया है अनकंस्ट्रेंड. मतलब मैंने अपने मैग्नेटिक कॉम्पास को भी छोड़ दिया है. तो हमारा ये मैग्नेटिक कॉम्पास इस तरफ दिशा दिखा रहा है और हम खो गए हैं कहीं जंगल में. जंगल में खो गए. आइए, तो इधर क्या आएगा? इधर नॉर्थ होगा. यही हमारी सोच है. एस किड्स वी हैव दिस थॉट, जहां दिखाएगा वहां नॉर्थ होगा. और फिर ईस्ट कहाँ होगा भाई साहब? ईस्ट यहाँ पे होगा. वेस्ट कहाँ होगा जी? वेस्ट यहाँ होगा. साउथ कहाँ होगा? साउथ यहाँ होगा. समझ में आया? अब सवाल आता है, ये मैग्नेट इस ससुरा को ऐसे घुमा दो फिर भी ऐसे ही हो जाता है, ऐसा कैसे हो जाता है? बार बार ये क्यों नॉर्थ पोल ही दिखाता है? कोई नॉर्थ पोल इसका प्रेमिका है क्या जो बार बार नॉर्थ पोल ही दिखाता है? क्यों ये कांटा इधर नहीं घूमता है? क्यों फिर से तुम बेसिक बिरयानी की एग्जांपल, अगर तुम्हें खाने का शौकीन है, शौक हो, खाने के शौकीन हो, जायके के शौकीन हो, तो तुम्हारे इस साइड में ना, इस साइड में मान लो एक, उस साइड पब्लिक टॉयलेट है, उस साइड में बिरयानी की दुकान है, तुम किस साइड जाओगे? बिरयानी की दुकान. क्यों जाते हो? वो सुगंध अच्छा लगता है, वो खुशबू है, ये बदबू है. ये बार बार बिरयानी की दुकान क्यों जा रहा है? वो सवाल पूछो. ट्राई टू रिलेट, क्यों जा रहा है? वॉट इज दैट खुशबू फॉर हिम? समझ में नहीं आ रहा. समझ में नहीं आ रहा. यही सर, यही तो तुम लोग गोली खा जाते हो ना, सोच की कमी है. ये मैग्नेटिक कॉम्पास क्या पृथ्वी के अंदर ने ऊपर ही तो कारोबार हो रहा है ना? समझ में आ रहा है? पृथ्वी के अंदर ही कारोबार हो रहा है. मैं अगर आपको ये कहूं, थोड़ा सा इमेजिनेशन लाओ हाँ, कि पृथ्वी के अंदर
कोई ना कोई तो एक बार मैग्नेट जैसा चीज है, और वो है बिरयानी की दुकान जिसको देख के ये बुक्कड़ बार बार ऐसे अलाइन हो जाता है. देयर हैज टू बी, अदरवाइज व्हाई इज इट ओनली इन दिस डायरेक्शन. ऐसा कोई थोड़ी है, इधर कोई मूवी आ रहा है क्या, कोई हीरोइन है इस तरफ, नहीं ना. अब बात आता है, अगर ऐसा है, अगर ऐसा है तो, अगर ऐसा है तो मान लो कि अर्थ के अंदर कोई अंदर सोया हुआ है. कौन सोया हुआ है? एक जानवर सोया हुआ है, बिलोटा जैसा कोई सोया हुआ है. बिलोटा मैग्नेट है अर्थ के अंदर, है कहते हैं ना बचपन में बाहर मत जाओ जूजू है पकड़ लेगा. तो अर्थ के अंदर भी जूजू छुपा हुआ है, ठीक है. और जूजू कैसा है? जूजू का ये साइड क्या होगा जरा बोलो? साउथ होगा, ठीक है. इसको हमने लिखा साउथ और इसको हमने लिखा नॉर्थ. तभी तो मैग्नेट इस साइड दिखा रहा है. कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? हमारे पास एक मैग्नेटिक नीडल है और वो नीडल जिस साइड दिखाता है, हमने उसको बचपन से क्या नाम दिया है? बचपन से ज्योग्राफी में क्या पढ़ा है इसको? नॉर्थ पोल पढ़ा है, जाहिर सी बात है. और ये कंपास का ये साइड जहां दिखाता है उसको हम साउथ पोल बोलेंगे. अगर आपको अभी भी प्रॉब्लम हो रहा है तो ये है हमारा आर्कटिक और ये है एंटार्कटिक. बात समझ में आ रहा है बच्चा? लेकिन हमने कहा ये बार बार ऐसे ही क्यों आ जाता है? तो हमने कहा पृथ्वी के अंदर एक जूजू है. जूजू क्या है? एक बार मैग्नेट. द अर्थ इटसेल्फ हैज अ मैग्नेट. तो वो मैग्नेट का इस साइड क्या होना चाहिए? साउथ पोल होना चाहिए, तभी ना ये उस साइड आकर्षित होगा. तो सर ऐसे बार बार इसको भी साउथ पोल बोल रहे हो, इसको भी साउथ पोल बोल रहे हो, इसको भी नॉर्थ पोल बोल रहे हो, बहुत कंफ्यूजन आ गया, गड़बड़ा गया है सब चीज अभी. तो ये गड़बड़ को ठीक करना पड़ेगा. तो हमने बोला कि ये है अर्थ का मैग्नेटिक साउथ पोल और ये है अर्थ का मैग्नेटिक नॉर्थ पोल. ये समझ में आ रहा है? ये है अर्थ का जियोग्राफिक नॉर्थ पोल, ये है अर्थ का जियोग्राफिक साउथ पोल. मतलब जो एंटार्क्टिक और आर्कटिक आप देखते हो ना, वो सब है जियोग्राफिक. ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है? लेकिन इसमें भी एक ट्विस्ट है. कैसा ट्विस्ट है? है, जरा देखिए. ये है पृथ्वी का ढांचा, समझ में आया? और मान लीजिए यहां है आर्कटिक और ये है एंटार्क्टिक, समझ में आया? तो इसको हम क्या बोलेंगे? साउथ पोल. इसको बोलेंगे नॉर्थ पोल. भाई साहब समझ में आ रहा है कि नहीं? तो एडजेक्टिव भी लगाइए. इसको बोलेंगे ज्योग्राफिकल, ज्योग्राफी. बचपन में ज्योग्राफी पढ़ता था, मार पड़ा एक बार, उसके बाद ज्योग्राफी निकल गया मुझसे. ज्योग्राफिकल, ज्योग्राफी वाला. तो इसको ज्योग्राफिकल बोलते हैं. ज्योग्राफी लिखा बट इट्स ज्योग्राफिकल. हैव यू अंडरस्टूड? But the twist in the story is that you have that, now you bring a magnetic compass. Now I'll draw the exact figure. Once समझ में आया ना? तो ये है हमारा magnetic compass. ये magnetic compass जो आप सोच रहे हो वैसा नहीं होगा, ये कुछ ऐसा होगा, ऐसा. ओ सर, गड़बड़ तो है यहाँ भी. डी 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 डी, ये एन दिखा रहा है, ये एस दिखा रहा है. इसका मतलब आ गया कहानी में एक और ट्विस्ट. कहानी में ट्विस्ट कुछ ऐसा है कि ये ऐसे दिखा रहा है. समझ में आ रहा है? मैग्नेटिक कॉम्पास एग्जैक्ट इसको नहीं दिखाता है, नहीं दिखाता है. इसका मतलब क्या है कि इसके अंदर जो जूजू है, जूजू, वो जूजू ऐसा है, ऐसा. समझ में आ रहा है? तो इसको हम नाम देंगे अर्थ का जियोग्राफिक एक्सिस. एक्सिस इसको नाम देंगे अर्थ का मैग्नेटिक एक्सिस. और बहुत किताब में बहुत कुछ लिखा है. कोई कहता है 15 एग्जैक्ट मेजरमेंट है, 11.3 डिग्री का फर्क है. पुराने जमाने में अगर आप नाव लेके, मैग्नेटिक कॉम्पास लेके निकले ना, आप एग्जैक्टली आर्कटिक नहीं जाएंगे, थोड़ा सा ड्रिफ्ट हो जाएंगे. लेकिन जो मॉडर्न कंपासेस है इलेक्ट्रॉनिक, उसमें ये एरर कैलिब्रेटेड रहता है शिप में. समझ में आया? मैग्नेटिक कंपास जहां दिखाता है ना, एग्जैक्टली नॉर्थ नहीं दिखा रहा है,
एंड 11 डिग्री इज ह्यूज, डू यू अंडरस्टैंड व्हाट इज 11 डिग्री इज ह्यूज, एक डिग्री आगे पीछे होने से मिसाइल इस शहर से उस शहर में जाके गिरेगा, समझ में आ रहा है? अच्छा फीलिंग नहीं आ रही है ना उसकी, फील लो फील। यहां से हमने मिसाइल छोड़ा कहा जानवी के घर के लिए, लेकिन छोड़ते वक्त हो गया एक डिग्री का एरर, ये एक डिग्री मिसाइल जाके गिरा कहां, दर्शिका के घर में, ये जानवी का घर है, और दूर होता तो जाके तेहरान में गिर जाता है, इंडिया में नहीं रहता। बात समझ में आ रहा है? 1 डिग्री का ही फर्क है, इसलिए मिसाइल की भाषा में हम कहते हैं मिसाइल की एक्यूरेसी नापी जाती है सीईपी से, सर्कुलर एरर प्रोबेबिलिटी, कितना के सर्कल के एरर में ये मिसाइल गिरेगा। समझ में आया? ये चीज समझ में आई। सो द अर्थ हैज गॉट अ ज्योग्राफिक एक्सिस एंड अ मैग्नेटिक एक्सिस, द मैग्नेटिक एक्सिस गिव्स राइज टू द मैग्नेटिक पोल्स एंड द मैग्नेटिक पोल्स आर जस्ट ऑपोजिट ऑफ द ज्योग्राफिक पोल्स। इसका मतलब है कि ये होगा अर्थ का मैग्नेटिक साउथ पोल। समझ में आया बच्चा? ये है अर्थ का मैग्नेटिक नॉर्थ पोल। और एक तीसरा एक्सिस भी होता है, वो एक्सिस क्या होता है? रोटेशन का एक्सिस। हाँ वो भी थोड़ा सा तो ऐसे ही होता है। तीन तीन चीजों पे पूरी कहानी है। एक्सिस ऑफ रोटेशन, उससे आपको दिन और रात होती है हमारी। ज्योग्राफिक एक्सिस है डायरेक्ट स्पोक लेके घुसा दो, और रोटेशन में थोड़ा सा जायरोस्कोपिक मूवमेंट भी होता है ना, ऐसे टेरा टेरा घुमाने से एग्जैक्ट स्पिन नहीं हो रहा है ना। ठीक है, इज दिस क्लियर? क्योंकि अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड ऐसा है, बोला ना अर्थ के अंदर जूजू ऐसा है, इसका मतलब हमें तो अर्थ का मैग्नेट खोद के देखे हो क्या तुम और मैं? नहीं ना, इससे ही हमें पता चलेगा वो क्यों ऐसा है। That's what it is. Literally magnet नहीं है, but again, what are there below in the earth? Below in the earth, you have what? Molten metals crust पे. Molten metals जब flow करता है, current produce होता है. Current produce, running of current can create magnet. वही हम पढ़ते हैं, हाँ, बिल्कुल strong होता है. कभी तुमको अगर मान लो ऐसा microwave बनाया जहाँ तुम्हें अंदर घुसा दिया. Let's take it in the right sense. जैसे in your religion, आप कड़ा पहनते हो ना? अगर आपका कभी बॉडी में एमआरआई करने को हुआ, आपको तो ये खोल देगा, उसके साथ अगर तुम्हें घुसा दिया ना अंदर में, तुम छिटक के बाहर प्रोजेक्टाइल की तरह निकलोगे। ठीक है, इसीलिए जिन लोगों के शरीर में हड्डी वड्डी का प्लेट वेट लग चुका है, उसका और एमआरआई नहीं हो सकता है, उसमें मैग्नेटिक फील्ड रहता है। मशीन क्रिएट्स अ ह्यूज मैग्नेटिक फील्ड, हाँ डिस्टॉर्ट कर देगा ना आपके बॉडी को। Those are scanners are nowadays low detection. पहले पहले मैग्नेटिक स्कैनर्स, आजकल अल्ट्रासाउंड स्कैनर्स से भी हो सकता है। They are safe. All airport scanners are baby food safe. कोई डरवर वाली बात नहीं है। ठीक है, ये ठीक समझ में आ गया ये? तो अब हमने क्या क्या सीखा? हमने सीखा मैग्नेट के पोल्स कितने होते हैं। भाई साहब दो पोल होते हैं। कैन द पोल्स एग्जिस्ट इन इंडिविजुअल फॉर्मेट? नो, दे कैन नॉट एग्जिस्ट, दे आर ऑलवेज इन पेयर्स, अनलाइक इलेक्ट्रिकल पोल्स व्हिच देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ यूनिपोल। यूनिपोल कॉन्सेप्ट इज नॉट देयर इन मैग्नेट्स। मैग्नेट्स आर ऑलवेज इन दो पोल एक साथ, डायपोल रहता है उसका। ठीक है ना, यूनिपोल नहीं रहता। फिर हमने क्या सीखा? एवरी मैग्नेट पोल हैज अ फील्ड अराउंड इट, दैट्स कॉल्ड द मैग्नेटिक फील्ड, राइट? Then we also saw that every electric charge has got a field around it. Now let's see again a charge. How is the electric field shown? Electric field, मान लो ये Q है, and this is a plus charge. तो इसके fields कैसे होते हैं? Radiating outwards, है ना? ये direction sir कैसे पता चलता है? हमेशा test charge ले आओ. Test charge जैसा move करेगा, that is the direction of the electric field. If the test charge was negative, अगर ये negative होता, अगर ये positive नहीं होके negative होता, तो test charge किस तरह इधर जाता? इसीलिए नेगेटिव चार्ज के फील्ड को हम ऐसे दिखाते हैं इनवर्ड्स, और पॉजिटिव चार्ज को कैसे दिखाते हैं आउटवर्ड्स। ठीक है ना, तो ऐसे ही हमारे जो मैग्नेटिक फील्ड है वहां भी हम कहते हैं नॉर्थ पोल से हम आउटवर्ड्स दिखाते हैं, साउथ पोल में इनवर्ड्स। अब उस चीज को समझेंगे क्या होता है मैग्नेटिक फील्ड में। हाँ, हाइपोथेटिकल क्वेश्चन पूछो। अब बात करेंगे मैग्नेटिक फील्ड और उसके स्ट्रेंथ की। बस तो और अच्छा हो जाएगा, फिजिक्स में बच्चे कम फेल करेंगे। जो ज्योग्राफिक साउथ पोल है वही मैग्नेटिक साउथ पोल है।
तो टाइड वाइड चेंज हो जाएगा, फिर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में हम लोग जुलाई में स्वेटर पहनेंगे और ऑस्ट्रेलिया क्रिसमस में जैकेट पहनेगा, यू नो दैट ना, देयर इज अ टेम्परेचर डिफरेंस। ऑस्ट्रेलिया में सांता क्लॉज इज ऑलवेज शोन इन बीच वेयर बिकॉज वहाँ सबसे ज्यादा गर्मी रहती है उस टाइम, और जून जुलाई में ऑस्ट्रेलिया में लोग कांपते हैं। ठीक है, आइए चलिए अब हम बात करेंगे मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ के बारे में। मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, तो मैग्नेटिक फील्ड आपने समझा, एरिया अराउंड अ मैग्नेट वेयर द मैग्नेट्स प्रेजेंस कैन बी फेल्ट। व्हाट इज द मैग्नेट्स प्रेजेंस? इट इज बेसिकली द मैग्नेटिक फोर्स, इट इज बेसिकली द मैग्नेटिक फोर्स। तो पहले हम यहाँ पे एक मैग्नेट को ले लेते हैं, यहाँ से एक मैग्नेट को ले लेते हैं, बार मैग्नेट। ठीक है, ये है बार मैग्नेट का नॉर्थ पोल और ये है साउथ पोल। अब हम मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ को समझने की कोशिश कर रहे हैं। सो व्हाट इज मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ? द एरिया अराउंड अ मैग्नेट वेयर द प्रेजेंस ऑफ द मैग्नेट कैन बी फेल्ट। एंड हाउ डू यू फील द प्रेजेंस ऑफ द मैग्नेट? बाय द मैग्नेटिक फोर्स दैट इज एक्सर्टेड अपॉन यू। यू, सो हु इज दैट यू? दैट पिल्लू। सो वी हैव टू डिजाइन अ पिल्लू। सो द पिल्लू इज नोन एज अ, ये हाइपोथेटिकल है, इंडिपेंडेंट नॉर्थ पोल। सोचो थोड़ी देर के लिए डिवोर्स करके एक नॉर्थ पोल अकेला आया है, एक घंटे के लिए आया हूं भाई साहब, जो टेस्टिंग करानी है कर लो, एक घंटे के लिए, क्योंकि वो अलग आ ही नहीं सकता है, इसकी बीवी इसको छोड़ती नहीं है। कौन? साउथ पोल। अभी साउथ पोल का नशे का दवाई देके ये आ गया है अकेले, अब ये टेस्ट करेगा इसके फील्ड को। ठीक है, तो जरा सोचो अगर हम नॉर्थ पोल को यहां पर लाएंगे तो कैसा होगा? छिटकेगा। यहां पे रखेंगे छिटकेगा, यहां पे रखेंगे छिटकेगा, जैसे यहां आएंगे अट्रैक्ट होएगा, अट्रैक्ट होएगा, अट्रैक्ट होएगा, अट्रैक्ट होएगा। समझ में आ रहा है? अच्छा, तेरा कॉन्सेप्ट लगाते हैं। मान लो इसको बोलते हैं भाई साहब अभी आप घर जाइए, जब जरूरत होगा फिर बुला लेंगे आपको, इनको घर भेज दिया। यहां पे हमने एक मैग्नेटिक कॉम्पास को रखा, मैग्नेटिक कॉम्पास रखा। ठीक है, आई विल बी ड्रॉइंग इट विद रेड टू शो यू द डायरेक्शन। How will the magnetic compass behave? The magnetic compass will immediately behave in this manner. Arrow shows get lost, get lost. So once it shows these two position, you put a point out here. यहाँ पे एक point डाल दो. And again you put your magnetic compass out here. ठीक है? अब ये क्या दिखाएगा? Get lost. थोड़ा सा ऐसे दिखाएगा. South pole का भी तो थोड़ा थोड़ा असर है. ये भी तो खींच रहा है. फिर आप क्या करो? फिर आप यहाँ पे एक पॉइंट लो, ये एक्सपेरिमेंट्स हम लोग करते थे, फिर मैग्नेटिक कंपास यहाँ बिठाओ, बिठाने के बाद ये क्या दिखाएगा? ये ऐसे दिखाएगा। सो यू विल सी दैट यू विल एक्चुअली ट्रेस अ पाथ विच इज फ्रॉम हियर टिल हियर, मींस बाय द टाइम यू कम हियर विथ योर कंपास विल बी शोइंग नॉर्थ पोल इनवर्ड्स, क्योंकि साउथ के पास आ गया है ना। सो ये जो लाइन है ना, इस लाइन को हम बोलते हैं मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स, या फिर इसका एक और नाम है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ओके, कैसा है सर? काल्पनिक लाइन है। बताता क्या है? इट टेल्स यू टू थिंग्स, वन इज स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेट एंड द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फोर्स। सर ऑन होम डिड यू टेस्ट द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फोर्स? Because there may be a bacteria who will like the smell of the public toilet, and there may be a person who will like the smell of biryani. So how are you testing it? इसके लिए इनको फिर से बोलेंगे, साउथ पोल को नींद में रख के आइए आप। So the direction has to be mapped according to some convention. So what is the convention? What is a magnetic field line? A magnetic field line is the path traced by a single north pole when allowed to move around the magnet. अगर हम एक नॉर्थ पोल को अकेला लेके यहां रखते तो नॉर्थ पोल कैसे छिटकता? वही पाथ होता है मैग्नेटिक फील्ड लाइन। इसीलिए तो हमारा नॉर्थ पोल नॉर्थ पोल नॉर्थ पोल नॉर्थ पोल ऐसे आ रहा है। समझ में आ रहा है? अ मैग्नेटिक फील्ड लाइन इज द पाथ अराउंड अ मैग्नेट विच शोज हाउ अ सिंगल नॉर्थ पोल वुड हैव मूव्ड अंडर द इंफ्लुएंस ऑफ दिस मैग्नेट। ठीक है, अंडर द इन्फ्लुएंस, क्योंकि अगर हम साउथ पोल लाते तो वो ऐसा हो जाता, तो पाथ तो मिल गया, अब फोर्स है तो वेक्टर है, डायरेक्शन देना पड़ेगा। सो हाउ इज द डायरेक्शन? तो इसमें हम लिखते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसा रहता है। मैग्नेटिक फील्ड लाइन का पहला प्रॉपर्टी है इट इज द पाथ, पाथ ट्रेवर्स्ड
TRAVE are traversed by an independent North Pole when allowed to move. पूरा काल्पनिक बातें हो रही हैं बच्चा समझ लो. When allowed to move freely around a magnet. हमने मान लो नींद से जगा के सिर्फ नॉर्थ पोल को ले आया तो नॉर्थ पोल ये पाथ ट्रेस करता. अब पाथ मिल गया है, अब हमें डायरेक्शन देना पड़ेगा और इसको हम कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस MFL मैंने लिखा ओरिजिनेट फ्रॉम नॉर्थ पोल एंड आपको ये क्वेश्चन आता है आ गया तो पूरा चेप दो. स्टेट द प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एकदम चेप दो. ओरिजिनेट फ्रॉम नॉर्थ पोल एंड टर्मिनेट एट साउथ पोल. समझ में आया मतलब अब डायरेक्शन कैसा होगा. डायरेक्शन ऐसा है नॉर्थ से निकलता है और साउथ में आके खत्म होता है. एक मिनट रुक जाइए. ऐसा नहीं अगर हमने कॉम्पास को थोड़ा हटाया होता तो एक और पाथ बनाता वो. सर कितने पाथ बनाएगा. अनगिनत पाथ बनाएगा एकदम काकरोच का तरह. समझ में आ रहा है ऐसे 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 यहां से ऐसे यहां दूर दूर जाएगा तो ऐसे आएगा. ठीक है एक छोटी सी लाइन और लिख के कहेंगे. तीसरा MFL आर डायरेक्टेड फ्रॉम साउथ पोल टू नॉर्थ पोल इनसाइड द मैग्नेट. भैया बहुत बड़ी बात लिख रहे हो. ऊपर जो नंबर टू लिख रहे थे ना ये एक्सटीरियर ऑफ द मैग्नेट मतलब अंदर में क्या हो रहा है. देखो यहां साउथ पोल में आ गया ना फिर यहां से यहां ऐसे जाता है. मैग्नेटिक लूप बन गया ये. इनसाइड द मैग्नेट दे विल बी डायरेक्टेड फ्रॉम साउथ पोल टू नॉर्थ पोल वेयर इज आउटसाइड दे विल बी कमिंग फ्रॉम. ठीक है इतना समझ में आया. ये क्या है ये एक रास्ता है. ये रास्ता हमें क्या बताता है मैग्नेट का फील्ड का डायरेक्शन कैसा है. कैसा डायरेक्शन है सर. डायरेक्शन ऐसा है कि नॉर्थ पोल से आउटवर्ड है साउथ पोल में इनवर्ड है. इतना चीज समझ में आया. ये तीन पॉइंट लिखिए बाकी दो पॉइंट आपको मजेदार तरीके से समझाएंगे. यहां तक समझ में आया. व्हाट इज अ मैग्नेटिक फील्ड लाइन. अ मैग्नेटिक फील्ड लाइन इज द पाथ ट्रैवर्स्ड बाय एन इंडिपेंडेंट नॉर्थ पोल इफ अलाउड टू मूव फ्रीली अराउंड अ मैग्नेट. Direction of such magnetic field lines, originate from the North Pole and terminate at the South Pole in the exterior part of the magnet, whereas in the interior they move from South Pole to North Pole. इतना clear हुआ? अब तीन गजब चीज बताएंगे मजा आ जाएगा जिंदगी का. हाँ अब इसको मैं मिटाऊंगा नहीं तो मजा नहीं आएगा. मिटाऊंगे मैग्नेट बना तो पेंसिल बना रहा है इतना चिन्नू सा है? वैसा नहीं बनता है. अभी जो फोर्थ पॉइंट लगाओ ना उसी में तो फिगर काटेगा देखना. अभी हमने जैसा बनाया वैसा कॉपी करो. व्याओ तुम ऐसे बना रहे हो ट्विंक ट्विंक पंखुड़ियां नहीं बनानी है ऐसे नृत्य की तरह है. देखो अब एक और भी तू गलत करेगा क्योंकि गलत तो हो रहा है. बताऊंगा वो गलती चौथे और पांचवे में. मिटाओ इसको साहब मैं मिटा रहा हूं. तोता नहीं बना रहे हो तुम बैठ के यहां पे. मैंने मिटा दिया. ठीक है चलो अब बात करते हैं कुछ और चीज. अच्छा ये तो हो गई हमारी मैग्नेट की फील्ड लाइंस. सर इससे पता क्या चला. तुम एज ए नॉर्मल ह्यूमन बींग व्हाट विल यू बी इंटरेस्टेड. हम बचपन में बच्चों की तरह क्या करते थे. दिखाओ तुम्हारे मैग्नेट में ज्यादा पावर है कि मेरे मैग्नेट में ज्यादा पावर है. इंसान में तो हमेशा कंपैरिजन रहता है ना. तुम्हारा घड़ी को नीचे मत फेंक. आज पूरा घर स्टेरिलाइज करके क्लीन किया हूं मैं. हाँ वहीं पे झाड़ू आके लगा लो.
पूरा घर स्वीप एंड मॉप, इट टेक्स वन आवर एंड वन एंड हाफ आवर टू क्लीन द डेब्रिज दैट यू क्रिएट इन दिस रूम। ओके आ जाओ, अब बात आती है, एक कॉमन सी बात आएगी कि मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ कैसे पता करें। मान लो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ है ना, हमें मान लो दो मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बना के दे दिया है, हम फील्ड स्ट्रेंथ को कैसे पता करेंगे, कैसे पता चले कोई मैग्नेट पावरफुल है कि नहीं। आ जाओ, सपोज दिस इज एक मैग्नेट का पोल है, ये नॉर्थ पोल है, ठीक है। तो आपको यहां से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे दिखेगा बेटा, यहां से ओरिजिनेट आउट हो रही है, यहां से ऐसे ओरिजिनेट आउट हो रही है, सारी तो यहीं से निकल रही है ना, कुछ यहां से सीधी हो जाएगी, कुछ फिर इस तरफ घूमेगी, इस तरफ घूमेगी, इस तरफ घूमेगी, इस तरफ घूमेगी, ऐसे आ रहे हैं, ठीक है। अब हम थोड़ा सा सैंपल एनालिसिस करते हैं। कैसे सैंपल एनालिसिस करेंगे, हमने यहां से एक सैंपल उठाया और हमने यहां से एक सैंपल उठाया। आप बोलो डेंसिटी ऑफ फील्ड लाइंस, इस सैंपल को हम कहते हैं सैंपल वन और इसको हम कहते हैं सैंपल टू। डेंसिटी ऑफ फील्ड लाइंस, डेंसिटी समझ रहे हो ना, इसको मान लो ये एक एक जो लाइन है ना, इसको मान लो बिरयानी की खुशबू। डेंसिटी ऑफ खुशबू किस सैंपल, यहां सूंघ रहे हो, यहां सूंघ रहे हो, सैंपल टू में ज्यादा आएगा, चारों तरफ बिरयानी, यहां कैसा है, आ रहा है, नहीं थोड़ा इधर आओ, हाँ आ रहा है, आ रहा है, यहां यहां आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है, यहां कमजोर है ना। सो द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ फील्ड लाइन्स टेल्स यू अबाउट द मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ। मतलब अगर मैं कोई लोहे का टुकड़ा यहां रखूं और यहां रखूं, यहां पे जो आकर्षण होगा ना ज्यादा होगा। लिख लें ये पॉइंट, ठीक है। तो दिस पॉइंट टेल्स मी, दिस पॉइंट टेल्स मी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ MFL is MFL at a region is an indication of magnetic field strength at that region। अब जरा अपना कॉमन सेंस को टटोलो, जिसको तुम लोग टटोलते ही नहीं हो। अगर टटोलोगे तो कैसा मिलेगा, देखो कैसा मिलेगा, यहां पे मैग्नेट खत्म हो गया है ना, फिर अगर तुम यहां देखोगे, यहां भी देखना, तुम्हें ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन दिखेगा, दिख रहा है, सब यहां पे आके टर्मिनेट होगी। और ऐसे भी सोचो, किसी भी मैग्नेट के पोल के पास लाओगे तो ज्यादा अट्रैक्शन होगा ना, अट्रैक्शन और रिपल्शन, वट एवर आई एम सीइंग अ फोर्स। सपोज यू ब्रिंग अ नॉर्थ पोल, यहां पे लाओगे तो सबसे जोर से चिटकेगा, यहां पे लाओगे तो सबसे जोर से आकर्षित होगा, यहां लाओगे तो कैसा है, कुछ ऐसा। बचपन में हम कहते थे माय फादर इज जापानीज, माय मदर इज चाइनीज, आई एम बोथ। तो यहां पे तुम्हारा दोनों हो जाएगा। हमारे केजी क्लास में यही को कहते थे, माय फादर इज जापानीज, माय मदर इज चाइनीज, आई एम बोथ। यहां पे दोनों खींच रहा, इधर भी खींच रहा है, उधर भी खींच रहा है। शादी के बाद लड़के का हिस्सा, मेरा बेटा मुझे छोड़ के उस क्या करमजली के हाथों चली गई, और फिर हमेशा मम्मी मम्मी मत क्या करो, शादी क्यों की मुझसे। तो लड़का इधर उधर हो रहा है, नॉर्थ पोल जाऊं साउथ पोल। लेकिन जब माँ चली गई छोटे बेटे के पास, लड़का हमेशा बीवी के पास ही है, और बीवी चली गई तो माँ हमेशा मेरा तो माँ मायके में ही बैठा है, क्या ऐसा है कंडीशन, वैसा ही है, ठीक है। तो लड़के का रोल ज्यादा डेंजरस है, आप लोग लड़कियां सोचती हैं आपकी रोल ज्यादा कमजोर है। मैं तो कहता हूँ शादी के बाद लड़के का रियल क्या होता है, एग्जामिनेशन होता है। आपके कान ऐसे होने चाहिए ना, शुड एब्जॉर्ब एवरीथिंग, शुड नॉट लीक एवरीथिंग, आई शुड सी एवरीथिंग, तभी घर में देखना शांति रहता है। अगर आपने ये परमिएबल कर दिया ना, बस हो गया। अब बोलो, मैग्नेट से ही पूछना, हाँ घर बार से मत पूछना, एकता कपूर का सीरियल नहीं हो रहा यहाँ पे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल 90 स्ट्रेट मारेगा उस वक्त। साहब का क्वेश्चन है, हमने मैग्नेट के बिल्कुल बीच में कॉम्पास रख दिया ना, हमने बीच में कॉम्पास रखोगे तो स्ट्रेट दिखाएगा। हाँ नो नो, ये लूप दीज आर, यही तो है, ये सब काल्पनिक है। इतने बड़े बड़े लूप्स होते हैं ना, इतने बड़े बड़े लूप्स है। जैसे सोचो ये अर्थ है, इतना बड़ा है, ये गुड़गांव, ये दिल्ली है, हमको यहाँ पे रोड ही तो दिखता है स्ट्रेट। पार्ट्स ऑफ बिग स्फीयर अपीयर एज प्लेन, इसलिए प्लेन, पर ये भी एक स्फीयर है, कहीं तो ब्रह्मांड में जाके बन रहा है गोला, पर किधर बन रहा है हमको नहीं पता। टेक्निकली इट इज अ लूप ऑफ वेरी बिग रेडियस,
तुम यहां से इन ऑर्बिट मॉल जाते हो तो स्ट्रेट जाते हो ना, ऐसा थोड़ी फील होता है कि अंदर चले गए, लेकिन जो तुम्हें ऊपर मार्स से देख रहा है बोलते देखो वो आदमी गोला मार के जा रहा है दुकान में खरीदने, ऐसे होता है। ठीक है, समझ में आया ये केस, राइट? सो कॉन्सेंट्रेशन, सो इफ यू सी ये एरिया में आते आते हमारे फील्ड लाइंस के कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाते हैं, फिर यहाँ पे एकदम गिजी-बिजी हो जाता है, ये इसका समझ में आया। अब सबसे बढ़िया, सर मैंने एक आर्बिट्री पॉइंट ये पिक किया, मुझे यहां कैसे पता चलेगा व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, हाउ विल आई गेट टू नो? तो एक चीज तो मैं जानता हूं कि दिस लूप इज कमिंग लाइक दिस, गॉट इट? एंड दिस इज दैट पर्टिकुलर पॉइंट। तो यहां जो चैप्टर मैथ्स में नहीं पढ़ाया वो पढ़ेंगे, यहां पे ड्रॉ करेंगे क्या बेटा, टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, और वो टेंजेंट का एरो किधर दोगे, जहां ये एरो जा रहा है, इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसा है, मतलब अगर नॉर्थ पोल छिटकता तो बिल्कुल ऐसे छिटकता। अच्छा समझ में नहीं आ रहा है, आप डिस्कस थ्रो करो ओलंपिक्स की तरह, डिस्कस तो सर्कुलर घूम रहा है ना, पर जहां से छूट रहा है टेंजेंशियली जा रहा है, या फिर आप पद्मावत डांस मारो घूमर घूमर, और उस लड़की को यहाँ पे हाथ पे पिंच कर दो, वो आ करके छोड़ देगी, वो गोल थोड़ी घूमेगी, वो टेंजेंशियली छिटक के जाके गिरेगी। समझ में आया? आपने टाइटैनिक देखा है? अच्छा, उसमें बॉल रूम डांस का एक शॉट है जहां केट विंसलेट घूम रही है पीछे पूरा बॉल रूम, उसका सीन कैसे शॉट हुआ, जेम्स कैमरॉन यहाँ कैमरा लेता है, उसमें वो दूसरा बंदा नहीं है, द डायरेक्टर इज हियर विद दिस कैमरा, ही शॉट इट एंड ही इज होल्डिंग केट विंसलेट एंड बोथ आर डांसिंग। तो सीन आपको कैसा दिख रहा है कि केट के पीछे घूम रहा है, अगर उस वक्त केट को छोड़ देता तो केट सिटक के गिरती, टेंजेंशियली। तो यहाँ पे हम कहते हैं that the direction of magnetic field line, so we'll write that also, that direction of magnetic field at a point is given by the tangent drawn at that point in the direction of the field line. भाई समझ में आ रहा है भाई साहब? तो मान लो यहां पे आपको मैग्नेटिक फील्ड पता करना है, तो आप यहां पे टेंजेंट ड्रॉ कर देंगे, यहां पे छिटकेगा, यहां आते वक्त यहां छिटकेगा, और यहां जाते कैसे छिटकेगा, इधर छिटकेगा, यहां जाते कैसे छिटकेगा, ऐसे छिटकेगा। समझ में आया? टेंजेंट। अब लास्ट पॉइंट विच इज मोस्ट क्रूशियल इन सीबीएसई, भाई साहब हाफ ईयरली में तो नहीं, टर्म एग्जाम में आएंगे ही और बोर्ड में आएगा, ये प्रॉपर्टीज जान लो कुछ ज्यादा ही लिखा दिया आपको, लास्ट वाला प्रॉपर्टी सबसे इंटरेस्टिंग, मिटा दो इसको, और कितना, एक सेकंड हो गया, एक सेकंड, एक मिनट बोला करो, एक सेकंड तो हो गया, दो तीन सेकंड हो गया, मिटा दे रहा हूं मैं, पांच सेकंड मिटा दिया इसको, ऊपर वाला मिटा दिया, डायरेक्शन ऑफ फील्ड लाइन मतलब टेंजेंट, तो भाई साहब आप ऐसे भी ड्रॉ कर सकते थे, ये भी तो टेंजेंट था, पर यो डायरेक्शन ऑफ फील्ड लाइन में नहीं है, इसलिए यो ना होवे, यो होवे, ठीक है ना, जत्थो कर्व जा रही है उत्थे तरफ में टेंजेंट बना लियो भैया, समझ में आ गया? आ जाओ अब सबसे जबरदस्त, क्या जबरदस्त, इस लाइन को हमने L2 पकड़ा, इसको हमने L1 पकड़ा, क्या पकड़ा, L2 और L1, ठीक है, बना ले इनको साइड में अलग से, जैसे दिल्ली पुलिस कहती है भाई साहब गाड़ी लगा लो साइड में गाड़ी लगा लो, ये L2 ये L1, भाई साहब समझ में आ रहे हैं, L1 L2। तुम्हारे दिमाग में एक बात आई, सर ऐसा नहीं हो सकता है क्या, क्या तेरा मेरा रास्ता ऐसा होगा कि हम कहीं ऐसे मिल जाएंगे, हैं? हाँ हो सकता है, तेरा जैसा आदमी ऐसा ही आंसर करेगा, मुझे पता था वैज्ञानिक अपने कबर से उठ जाएंगे तेरी सवाल सुन के, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन आता है, कैन टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट, सवाल आया, कैन टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट, है ना, सवाल आया हमारे पास इंटरसेक्ट, तो इसका आंसर तो यही हो सकता है भाई साहब, यस हो सकता है या फिर नो हो सकता है, ठीक है ना। तो इसको हम क्या करेंगे, लॉ ऑफ एलिमिनेशन लगाएंगे, पहले यस कर लेते हैं, भाई साहब इंटरसेक्ट तो हो गई, ठीक है, अगर यस है तो हमारा दूसरा सवाल है,
कहां पे हुआ है? सर पी पॉइंट पे इंटरसेक्ट हो गया है एट पी। अब बताओ भैया डायरेक्शन एट पी, बताओ डायरेक्शन एट पी। पी का हालत अभी कैसा है पता है? शादीशुदा लड़का जिसकी माँ उसकी बीवी को पसंद नहीं करता है, क्या समझे? शादीशुदा लड़का जिसकी माँ उसकी बीवी को पसंद नहीं करता है। सबसे पहले L2, L2 कौन है? बीवी। L1 कौन है? माँ। अगर वो लड़का माँ की बात सुनता है तो डायरेक्शन ये है, अगर वो बीवी की बात सुनता है तो डायरेक्शन ये है। एट वन पॉइंट यू कैनॉट हैव टू डायरेक्शंस। लड़का किस तरफ जाएगा अभी? हमारा सवाल आता है कैन टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट? सर टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैनॉट इंटरसेक्ट बिकॉज हैड दे इंटरसेक्टेड देयर वुड हैव बीन फॉर्मेशन ऑफ टू डिफरेंट डायरेक्शन एट द सेम पॉइंट। नाउ व्हिच वन विल यू गिव प्रायोरिटी? दिस पॉइंट बिलोंग्स टू दिस लाइन ऑल्सो, दिस लाइन ऑल्सो। हेंस मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डू नॉट इंटरसेक्ट, ईच फील्ड लाइन इज यूनिक एंड फ्रॉम हियर कम्स द क्वेश्चन। मैं हरकीरत को क्यों बोल रहा था तू ये डायग्राम फिर ड्रॉ करेगा? क्योंकि वो जब मैग्नेट बना रहा था खुशी खुशी ऐसे ऐसे ज्वाइन कर रहा था, समझ में आया? वो नहीं होता है, देख देख, तब तू ऐसे बना रहा था, देख ऐसे, सर की बात नहीं सुनते हो ना, ऐसे ऐसे बना रहा था, देखो पंखुड़ियां तितली बना रहा था वो बैठ के। मैंने क्या बोला था? ऐसे होता है, समझ में आया? हाँ, सर की बात नहीं सुनने का मंजम। तो ये क्वेश्चन आप लिखो, Can two magnetic field lines intersect? Write the answer. Two magnetic field lines cannot intersect. ये explanation समझ में आया ना बेटा? Two magnetic field lines cannot intersect because if they would have intersected, बहुत लंबा English है, बहुत लंबा English. If they would have intersected, it would have given rise to two directions for a common point of intersection, which is not possible. अब खुद से लिख, अंग्रेजी आता है तुम लोग को। मैग्नेटिक फील्ड लाइन की दो रेखाएं आपस में इसलिए नहीं मिल सकती क्योंकि अगर मिलती थी तो जो कॉमन पॉइंट में मिल रही है वहां पे दो डायरेक्शन की सृष्टि हो जाती थी। टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैनॉट इंटरसेक्ट बिकॉज हैड दे इफ दे वुड हैव इंटरसेक्टेड इट वुड हैव गिवन राइज टू टू फील्ड डायरेक्शंस फॉर द सेम कॉमन पॉइंट व्हिच इज नॉट पॉसिबल, व्हिच इज नॉट पॉसिबल, which is not possible. Hence, magnetic field lines do not intersect. Force is a vector. एक ही point पे, एक ही कांड के, एक ही magnetic field line के लिए दो force नहीं हो, दो directions नहीं हो सकते कभी भी। या तो बेटा माँ की कहाँ बात सुनेगा या बीवी की बात सुनेगा। इसलिए कैसा है? बीवी और माँ हमेशा अलग अलग। कैसा explanation सोचो? पेरेंट्स सुनेंगे तो लगेंगे यार बच्चे को किसके क्लास में डाला, ये यार फिजिक्स समझ रहा है कि बेकार चीजें समझ रहा है ना? ठीक है, टू लाइंस ऑफ फोर्स डू नॉट इंटर, ये कॉमन क्वेश्चन है बच्चा, 100% ये क्वेश्चन आता है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डू नॉट इंटरसेक्ट बिकॉज इफ दे वुड हैव इंटरसेक्टेड दे वुड हैव गिवन राइज टू टू डिफरेंट डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स फॉर द सेम कॉमन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन व्हिच इज नॉट पॉसिबल, हेंस मैग्नेट। तो क्या हमने फील्ड लाइन समझ ली? फील्ड लाइंस कैसी होती है? तो ये फील्ड लाइंस बेटा ये काल्पनिक चीज है, दीज आर इमेजिनरी कॉन्सेप्ट बेसिकली एट्रिब्यूटेड टू अंडरस्टैंड द मैग्नेटिक फील्ड अराउंड अ मैग्नेट। लाइट के जो रे होती है ना सर काल्पनिक है, कोई रामायण की तीर थोड़ी जा रही है रे की तरह। तो द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस गिव यू अ सेंस ऑफ द मैग्नेटिक स्ट्रेंथ अराउंड अ मैग्नेट। रीजंस वेयर द फील्ड लाइंस आर मोर कॉन्सेंट्रेटेड हैव मोर मैग्नेटिक स्ट्रेंथ। डायरेक्शंस ऑफ द फील्ड लाइंस आर सच दैट दे ओरिजिनेट from the north pole and terminate at the south pole, taking care that two magnetic field lines never intersect with each other. The direction of the loop tells you overall the direction. If you want to find the direction at a particular point, please freeze a point and draw a tangent in the direction of the magnetic loop. And inside the magnet, the magnetic field lines are traveling from south pole to north pole. That's it. Nothing more than that. I hope you remember. Right. Then call up a customer support center. Morning 8 a.m. to evening 6 p.m. And should you feel anything, you can drop a line or contact us on our Instagram handles or social handles, right? यहाँ से कहानी खत्म हो जाती है, मैग्नेट की जो शुरुआती भूमिका वाली स्टोरी है ना यहाँ पे खत्म। आपको मैग्नेट जानना था, जनवा दिया आपको। ये ICSE वाले 9 से पढ़ के आते हैं, आपको थोड़ा सा ऐसे मंत्र पढ़ के करवा दिया, ठीक है? अब हम चलेंगे एक्चुअल
मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। अब तक तो करंट की कोई बात ही नहीं हुई, हाँ अब तक सिर्फ मैग्नेटिक पढ़ रहे थे। फिर ये चैप्टर है क्या, ये चैप्टर ऐसा है भाई साहब, इलेक्ट्रिसिटी ठूस देंगे और मैग्नेटिज्म पैदा होगा, ये चैप्टर इसके ऊपर है। अब तक आप सिर्फ ये पढ़ रहे थे, अब हमें ये ठूसना है। ठीक है, इसको करने के लिए आइए चलते हैं 16वीं शताब्दी में। कहाँ चल रहे हैं, 16वीं शताब्दी, 16th-17th century, और चल रहे हैं एक डच बहुत ही यंग लैब में एक साइंटिस्ट थे, साइंटिस्ट तो नहीं बोलूंगा, ही वॉज एन असिस्टेंट, और उनका नाम है हैंस क्रिश्चियन। भाई साहब क्रिश्चियन जो है ना वहां पे ऐसे के से लिखते हैं, सी से ना लिख दियो तुम बैठ के, ठीक है, हैंस क्रिश्चियन ओस्टर्ड, ओस्टर्ड डच थे भाई साहब, हैंस क्रिश्चियन ओस्टर्ड। और इन्होंने एक ऐसा चीज देखा, इन्वेंशन तो नहीं कहते हैं, डिस्कवरी कहते हैं, और इसको हम कहते हैं, इसका कोई थ्योरी नहीं है, इसको जाना जाता है ओस्टर्ड्स एक्सपेरिमेंट करके। क्या कहते हैं, ओस्टर्ड्स एक्सपेरिमेंट, सेरेंडिपिटी है। डू यू नो गाइस इन बायोलॉजी व्हाट इज सेरेंडिपिटी? सुना है मत बोल, जानता है कि नहीं वो पूछ रहा हूं। सेरेंडिपिटी मींस यू आर एक्चुअली स्टडिंग फॉर समथिंग एंड यू गेट समथिंग। पेनिसिलिन सुना है ना, पेनिसिलिन, पेनिसिलिन वॉज मेड बाय अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। पेनिसिलिन बनाने के लिए वो नहीं काम कर रहा था, कुछ और कर रहा था और कुछ और निकल गया, एंड दैट कुछ और बिकेम मच मोर फेमस। ऐसे फिनोमिनन को बायोलॉजी में हम सेरेंडिपिटी बोलते हैं। सेरेंडिपिटी मींस यू आर वर्किंग फॉर समथिंग, लेकिन तुम्हें कुछ और मिल गया और उससे आपको ख्याति मिल गई अलग से, ठीक है ना। तो हैंस क्रिश्चियन ओस्टर्ड भी ऐसा ही कुछ कर रहा था, वो कुछ एक सेटअप कर रहा था हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट वरंट के लिए। तो भाई साहब ने ऐसा कुछ सेटअप किया, आज के नॉर्मल लेवल में हम ऐसे पढ़ते हैं कि मान लो ऐसे एक सेल ले लिया, वैसे अभी आप जो भी पढ़ने वाले हो ना यूनिडायरेक्शनल करंट से पढ़ने वाले हो, डीसी, अभी एसी वो बताएंगे बाद में। भाई साहब ने ऐसा एक सेल ले लिया और यहाँ पे भाई साहब ने एक की बनाया, इट वॉज अ पार्ट ऑफ एन एक्सपेरिमेंट, एक एक्सपेरिमेंट चल रहा था, और ऐसे कोई कंडक्टर था, ऐसा कोई कंडक्टर था, तो इस कंडक्टर पे जब आप ऐसे की को ऑन कर दोगे, ऐसे ऑन कर दोगे, तो यहाँ से भाई साहब करंट गुजरेगी, जाहिर सी बात है। और ये करंट गुजरते ही मान लो कंडक्टर को, इसको हम कंडक्टर लेते हैं, इस पर वो टेस्ट कर रहा है, ठीक है ना, तो इस पर करंट गुजरनी शुरू करती है, तो डेफिनेटली H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी होना चाहिए इसका कोई रेजिस्टेंस, ठीक है ना, ऐसे करते करते, ठीक है। और साहेब का तरह था, पढ़ते वक्त साइड में मोबाइल रहता है, तो हैंस क्रिश्चियन ओस्टर्ड के पास तो मोबाइल नहीं था उस जमाने में, तो उसने क्या किया था, यहाँ पे ना एक ठो मैग्नेटिक कॉम्पास ऐसे गिरा हुआ था, जैसे इसका मोबाइल गिरा हुआ रहता है, ठीक है ना, पढ़ते पढ़ते, और अचानक पढ़ते पढ़ते टिंग एक इंस्टाग्राम में रील आ गया, और रील की तरफ देखा तो उसी में चिपक गया। वो देखा जैसे ही वो ऑन कर रहा है, सो ही सॉ सम डिस्टर्बेंस अराउंड हिम। डिस्टर्बेंस क्या है कि मान लो हमारा अभी यहाँ पे कुछ ऐसे दिखा रहा है, क्या चीज, मैग्नेटिक कॉम्पास कुछ ऐसे दिखा रहा है, और जैसे ही हम इसको ऑन कर देते हैं ना, ये ससुरा मैग्नेटिक कॉम्पास डिफ्लेक्ट कर जाता है। ऐसे दो बार हुआ तो हीटिंग इफेक्ट को मारो गोली, मटर पनीर पे कॉन्सेंट्रेट करो, ये क्या हो रहा है, ठीक है ना। जैसे उसने इसको फिर ऑफ किया, ये ससुरा फिर अपने जगह पे वापस आ जाता है। ये क्या खुराफात जाग गई भी उसको, ऑन करने से ऐसा होता है, ऑफ करने से डिफ्लेक्ट करता है, मतलब शोले फिल्म के डायलॉग जैसा, जब तक बसंती तेरे पैर चलेंगे वीरू की सांस चलेगी, जब तक करंट चलेगा मैग्नेटाइजेशन हो रहा है, कुछ तो हो रहा है, आई दो वाइज इज गेटिंग डिफ्लेक्टेड, सब मैग्नेटिक फील्ड इज क्रिएटेड। अब उसको खुराफाती जागा, उसने क्या किया, इसको रिप्लेस किया, कैसा, उसने इधर नेगेटिव बनाया और इधर पॉजिटिव कर दिया, समझ में आ रहा है, उल्टा काम कर दिया। इस बार देखता है अरे बहुत ही गड़बड़ हो रहा है, जैसे ही ऑन किया ना ससुरा इस साइड डिफ्लेक्ट करता है। ऐसा था पहले ऑन करने से, ऐसा जाता है जब तक ऑन तब तक, जब तक तेरे पैर चलेंगे वीरू की सांस चलेगी, सर मैं और नहीं नाच पा रही हूं, ठीक है वीरू ऐसे हो गया, अब उल्टा दो तो ये ऐसे हो जाता है। इसका मतलब है कोई भी मैग्नेटिक कॉम्पास तभी डिफ्लेक्ट करेगा जब आजू बाजू कोई भटकती हुई आत्मा है। कैसी आत्मा, मैग्नेटिक आत्मा, मतलब इस इलेक्ट्रिक करंट ने इस कॉइल के इर्द गिर्द में
कुछ तो एक मैग्नेटाइजेशन क्रिएट करता है जिसको सेंस करके ये बावला बन जाता है ऐसे। और उसमें कुछ प्रॉपर्टीज क्या देखी हमने, जब तक इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है तब तक ये है, इलेक्ट्रिक करंट गायब ये गायब, पोलैरिटी रिप्लेस करो तो इसकी पोलैरिटी भी चेंज हो जाती है, पोलैरिटी रिप्लेस करो तो इसकी पोलैरिटी भी रिप्लेस हो जाती है। यहां से हैंस क्रिश्चियन ऑस्टर्ड ने कहा छोरो हीटिंग इफेक्ट को, हमें तो कुछ और मिल गया। उसने कहा करंट कैरिंग वायर या फिर कंडक्टर कह लो बिहेव्स लाइक ए मैग्नेट। बहुत बढ़िया बात कह दिया भाई साहब ने, बिहेव्स लाइक अ मैग्नेट, अ करंट कैरिंग वायर बिहेव्स लाइक अ मैग्नेट। जब तक उसमें करंट है उसमें मैग्नेट है, ठीक है। एंड विद सर्टेन थिंग्स, नंबर वन मैग्नेटाइजेशन रिमेन्स टिल द करंट फ्लोस, ठीक है। कैसे याद रखोगे, शोले पिक्चर देखे हो तुम तो, हैरी पॉटर वाले लोग हो यार, हिंदी तो देखते ही नहीं हो। शोले में एक डायलॉग है, गब्बर सिंह कहता है जब तक तेरी सांस बसंती तू नाच के, पैर चलेंगे वीरू की सांस चलेगी, और बसंती नाच रही है, वीरू को बांध के रखा है गब्बर सिंह ने, ठीक है ना। तो मैग्नेटाइजेशन रिमेन्स टिल करंट फ्लोस, तेरे पैर रुके नहीं, यही तो तुम्हें डायलॉग बोलना नहीं आता है, तो ये बंदूक चलेगी, है ना। करंट स्टॉप्स मैग्नेटाइजेशन स्टॉप्स, ठीक है ना, मैग्नेटाइजेशन स्टॉप्स। और दूसरा चीज उसने ये देखा कि द मैग्नेटिक फील्ड इज सेंसिटिव टू द पोलैरिटी ऑफ द करंट, पोलैरिटी ऑफ करंट, यानी कि इफ द करंट्स पोलैरिटी इज रिवर्स द मैग्नेटिक फील्ड पोलैरिटी इज आल्सो रिवर्स। समझ में आया, ये है हैंस क्रिश्चियन ऑस्टर्ड की सबसे बड़ी फाइंडिंग, जहां हम कहते हैं अ करंट कैरिंग वायर बिहेव्स लाइक अ मैग्नेट। और यहाँ पे ये एक्चुअली ये एक्सपेरिमेंट करवाया भी जाता है, जहां जहां आपको करंट जब तक फ्लो करेगा मैग्नेटिक फील्ड रहेगा, करंट गायब मैग्नेटिक फील्ड गायब, और करंट को अगर हम रिवर्स करेंगे तो मैग्नेटाइजेशन हमें मिलेगा। और अब लास्ट एक मिनट एक बढ़िया सा लाइफ स्किल की बात करूंगा और आज की क्लास छोड़ूंगा, डोंट वरी, ठीक है। समझ में आया, ये इस चीज समझ में आया, हैंस क्रिश्चियन ऑस्टर्ड का एक्सपेरिमेंट। अगले दिन जो इस चीज से आगे चलेंगे, ऑस्टर्ड एक्सपेरिमेंट टेल्स यू दैट करंट कैरिंग वायर बिहेव्स एज अ मैग्नेट एंड द मैग्नेटाइजेशन स्टेज एज लॉन्ग एज द करंट फ्लोज इन द वायर और द कंडक्टर। इफ द करंट इन द वायर सीजेस और द करंट सीजेस द मैग्नेटाइजेशन वैनिशेस सीजेस एंड द मैग्नेटाइजेशन द फील्ड मैग्नेटिक फील्ड इज सेंसिटिव टू द पोलैरिटी ऑफ द करंट। इसका जरा यूज देख लेते हैं, एक मिनट में समझाएं। सबने घर में सबके घर में नई कभी ना कभी तो टीवी आई होगी, है ना। अब देखो बेवकूफ और फॉरेनर्स और हमारे बीच काम करने का फर्क कितना होता है। अभी हमने क्या किया, हमने ना 65 इंच का LCD लाया, LCD बहुत ही अच्छी, इसको कहाँ टांगोगे, दीवार पे माउंट करोगे। तो अभी इंस्टॉलेशन वाला बंदा आया, अभी देखो हमारी इंडिया में जो चप्पल पहन के ना बाबू आता है वो क्या बोलेगा, हाँ मैडम कहाँ लगाना है, भैया इस दीवार में ना आप बिल्कुल सेंटर में लगा दीजिए ऐसे टीवी। तो वो पूरा मैडम यहाँ ठीक है सब ठीक है, ड्रिल मशीन लेता है टक 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 ड्रिल फिट करता है और ऐसे गड़ा ड्रिल मार देता है। क्या बाबू इससे पहले हमारे घर में आया था, क्या बाबू ने कभी हमारे घर की इंटीरियर्स को देखा था, नहीं। हमारे घर में हमने जिस इंटीरियर डेकोरेटर को रखा था ना, उसने अंदर से वॉल के बहुत सारे वायर्स पास किए हैं कॉन्सील्ड, और बाबू जैसे ही ऐसे चलाता है ड्रिल नहीं मशीन गन की तरह कांपता है, क्योंकि बाबू को शॉक लग चुका है। दैट इज द इडियट वे ऑफ डूइंग जॉब। यही फॉरेन कंट्रीज में वो क्या करेगा, यू कंफर्म दैट दिस इज द प्लेस शी वुड लाइक द टीवी टू बी इंस्टॉल्ड, यस। वो पॉकेट से गैजेट निकालेगा और यहाँ पे ऐसे घुमाएगा जैसे साउंड का, आई एम सॉरी दिस हैज गॉट कंसील्ड वायर्स। ही इज यूजिंग द प्रिंसिपल ऑफ हैंस क्रिश्चियन ऑस्टर्ड। अंदर वायर्स है जिसमें करंट जा रही है और मैग्नेटिक कंपास की जगह उसने एक बीपर बना लिया है
और वो बीपर बीप करना शुरू कर दिया। कभी भी किसी अनजाने लोगों के घर में जाके काम करना है ना, तो डायरेक्ट ड्रिल मशीन से ड्रिल मत करो, तुम्हें पता भी है उसके अंदर क्या वायर है, हमेशा पहले कंडक्टेंस मीटर को घुमा लो। यस दैट्स क्वीन, रोज गेट द ड्रिल मशीन नाउ, अब वो ड्रिल करेगा। और बाबू क्या करेगा, अरे यार उस दिन मैडम के घर में गया, यार सोख मार दी मेरे को, फिर उस कहानी को बोलेगा भी कितनों को, तो बेवकूफी की भैया यार सोख मार दी मैडम जी ने, तो वहां अंदर पे तार बिछी हुई थी उस घर पे, मैं ना जानू, मैं तो यार चप्पल पहन बच गया भाई, ठीक है, तो वो ऐसे बात करेगा। दैट इज द डिफरेंस बिटवीन हाउ दे वर्क एंड हाउ वी वर्क। हमारे मैकेनिक्स कभी ग्लव्स ही नहीं पहनते हैं। एक बार एक को मैंने बोला था पहनो, सर बड़ा अटपटा सा लगता है, फीलिंग नहीं आ रही है नट पकड़ने का, ठीक है, तो वी वर्क इन दैट मैनर, ठीक है। यहां से आगे बढ़ेंगे अगले स्टोरी में, और यहीं से कहानी शुरू हो जाती है। अब देखो हमारी स्टोरी क्या थी, इलेक्ट्रिसिटी पंच करेंगे, मैग्नेटिज्म पैदा होना चाहिए, हो गया पैदा, बच्चा पैदा हो गया। अब इसको बड़ा करना है मुन्ना को चैप्टर में, फिर इसे हम इसमें आर फॉर रैबिट वाले स्ट्रॉलर में घुमाएंगे, मीमी स्ट्रॉलर में घुमाएंगे, और फिर उस स्ट्रॉलर को अपार्टमेंट के व्हाट्सएप ग्रुप में बेचेंगे, प्राइम अवेलेबल फॉर सेल। आपका आता है ये क्या नाम है, जानवी दर्शिका को तो ये सब मजे नहीं आते ना, अपार्टमेंट में नहीं रहती है, हमारे यहाँ आता है पता है, प्राइम अवेलेबल फॉर सेल, स्पेरिंगली यूज्ड, जैसे बच्चे ने उस पर कभी बैठा ही नहीं हो, ऑलमोस्ट न्यू। और फोटो कौन सा देगा, जो अमेजोन में फोटो है ना वो वाला फोटो दे देगा, और जब आप लेने जाओगे आपको देखेगा ये क्या, ये क्या, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, मिलेंगे अगले क्लास में, और तब तक के लिए टाटा बाय बाय, कैच यू ऑल।